और पानी का हमेशा वहां अभाव रहता है। एक जगह से सभापति महोदय, हमें पूर्व में 1967 में शायद माही का एक प्लान बना था, गुजरात के साथ में करार हुआ था, जिसमें ये कहा था कि नर्मदा का पानी जब गुजरात में आ जाएगा तब माही का पानी हमें मिलेगा। उस टाइम पे करार हुआ, लेकिन सभापति महोदय आज तक उसके ऊपर कोई, नर्मदा का पानी तो गुजरात में आ गया लेकिन हमारे वहां पे कोई हमें नहीं मिला। मेरे वहां पे बहुत पानी की प्रॉब्लम, और आपका बच्चा भी माउंट में पड़ा था। सभापति महोदय आपसे निवेदन करूं, महोदय आपका बच्चा भी माउंट में पड़ा था, उसी माउंट में एक समस्या ये हुई थी सभापति महोदय, वहां पे पानी ज्यादा बरसा, वो भी गुजरात में चला गया। हमारे क्षेत्र में जितना भी पानी आता है, हम बॉर्डर पे एक साइड में पाकिस्तान है, एक साइड में गुजरात है, सारा पानी चला जाता है, हम पीछे रह जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, निवेदन है, करपत निवेदन कर रहा हूं कि माही का जो हिस्सा हमें मिलना चाहिए, वो हिस्सा हमें जालोर सिरोही को अगर मिले तो हमारा क्षेत्र बच सकता है, अन्यथा हमारे क्षेत्र में हमेशा पानी की समस्या रहेगी। अभी जो बारिश हुई सभापति महोदय, एक मिनट के लिए, माउंट का पानी गया वहां पे, मैंने जब बातचीत की तो वहां से लोगों ने ये कहा आपका ही पानी है और बाढ़ मेरे वहीं आ गई वापस, क्योंकि वो पानी घूम के मेरे वहां आया, लेकिन वो पीने लायक नहीं, मेरे वहां आके वो भी ग्राउंड लेवल रिचार्ज नहीं हुआ और वो पानी चला गया पाकिस्तान में। मतलब हम बीच में झूल रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो माही का हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत नर्मदा का पानी गुजरात में आ चुका है, तो अब माही का पानी हमें राजस्थान को मिले, ये अनुरोध। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सी आर